लखनऊ में शुक्रवार को हिंदूवादी नेता कमलेश तिवारी की हत्या होने के बाद हिंदू संगठनों में उबाल आ गया। लगभग सभी हिंदू संगठन आक्रोशित होकर सड़कों पर नारेबाजी प्रदर्शन कर हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग करने लगे। हिंदूवादी संगठनों ने प्रदेश सरकार की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए, जबकि प्रदेश के मुखिया कई रैलियों में अपराधियों को हिदायत दे चुके हैं कि या तो अपराधी प्रदेश छोड़ दे या फिर उनके लिए जेल में पूछ दिया जाए। अपराध और अपराधियों पर लगाम लगाने के लिए पुलिस द्वारा लगातार एनकाउंटर भी किया जा रहा है। इन सब के बावजूद भी अपराधियों के हौसले इतने बुलंद हैं कि वह कभी भी कहीं भी किसी को भी गोली मारने से नहीं चूकते। कमलेश तिवारी हत्याकांड को लेकर ललितपुर में राष्ट्रीय बजरंग दल के पदाधिकारी और कार्यकर्ताओं ने सड़कों पर जमकर प्रदर्शन कर नारेबाजी की तथा महामहिम राष्ट्रपति को संबोधित कर SDM को ज्ञापन सौंपा और हत्यारों के लिए फांसी की सजा की मांग उठाई। इस मामले में राष्ट्रीय बजरंग दल के जिला अध्यक्ष सचिन दुबे ने बताया कि हमारे हिंदूवादी नेता भाई की हत्या धारदार हथियार और गोली मारकर दिन दहाड़े कर दी गई। उन हत्यारों की हम शीघ्र गिरफ्तारी चाहते हैं और उन्हें फांसी की सजा की मांग करते हैं। उन्होंने प्रदेश की कानून व्यवस्था पर भी सवाल खड़े किए। उन्होंने यह भी कहा कि जिस तरह प्रदेश में कानून की व्यवस्था चल रही है, यदि यही हालात रहे तो हालात और भी खराब हो सकते हैं। उन्होंने मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ से अपनी मांग रखी कि प्रदेश की कानून व्यवस्था को और सुदृढ़ बनाया जाए। आज आप लोगों ने प्रदर्शन का ज्ञापन दिया, क्या है पूरा मामला, क्या मांग कर रहे थे? आज जो राष्ट्रीय बजरंग दल द्वारा ज्ञापन दिया गया है, जो कल हमारे हिंदू हितैषी नेता हिंदू धर्म की रक्षा करते हुए उन्होंने अपना जो जीवन अपने हिंदू समाज के लिए समर्पित किया है, उन पर कल 15-15, 16-16 बार एक धारदार हथियार से उनकी गर्दन रौंद दी गई और उनके ही घर में गोलियों से उन्हें छलनी कर दिया गया, जिसके विरोध में हम राष्ट्रीय बजरंग दल सभी कार्यकर्ता सभी समाजसेवी रोड पर खड़े होकर उनके संदर्भ में ज्ञापन देते हैं वा मांग करते हैं कि जिन्होंने ये हत्या की है उनके लिए फांसी की सजा होनी चाहिए, और यही मांग को लेकर हम लोग आगे बढ़ रहे हैं। आप उत्तर प्रदेश की कानून व्यवस्था को किस नज़र से देखते हैं, क्या कहेंगे कानून व्यवस्था के बारे में? जिस तरीके से ये हत्याएं हो रही हैं, इस तरीके मैं निंदा करता हूँ कि जिस तरीके से हम सरकार लाए थे, सरकार हितैषी बनाई थी अपनी कि शायद हम पर खड़े उतरेंगे, पर इस तरीके से हत्याएं हो रही हैं जो उत्तर प्रदेश के अंदर, हम निंदा करते हैं कि इस तरीके से नहीं होना चाहिए। बाकी माननीय मुख्यमंत्री से निवेदन करना चाहता हूं कि आगे से ये घटना घटित ना हो, और जिन्होंने ये घटना की है उनको सिर्फ और सिर्फ फांसी की ही सजा हो।